हेलो फ्रेंड्स, मोमीज आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, विक्की कौशल की जो पोर्ट्रेट ड्राइंग का ये सेकंड एपिसोड है, सो इसमें हेयर ड्राइंग के बारे में बात करते हैं। सो आप रिफ्रेंस इमेज में जैसे कि देख पा रहे हैं कि इसका लेफ्ट हैंड पोर्शन ब्लैक है। सो मैंने इसको ऑलरेडी 8B एंड 10B की हेल्प से ब्लैक कर लिया है, और जो हेयर का राइट हैंड वाला पोर्शन है वहाँ पर थोड़ा हाईलाइट्स है, तो इसके लिए मैंने इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ किया है, और देन मैं 8B की हेल्प से स्ट्रोक लगा रही हूँ हेयर के डायरेक्शन में। और जहाँ डेप्थ वाला एरिया है वहाँ पर मैं सेकंड लेयर में उसको डेप्थ के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छे से प्रेशर के साथ में 8B का यूज़ कर रही हूँ, और जहाँ हाईलाइट है वहाँ पर मैं लाइट प्रेशर का यूज़ कर रही हूँ। और मैंने 8B एंड 10B का यूज़ करने के बाद हाईलाइट देने के लिए टॉम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज़ किया है, और मैंने साथ ही साथ में नीडेबल इरेजर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और दोनों के हेल्प से मैंने हाईलाइट दे दिए हेयर पे जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ रिफ्रेंस इमेज में मुझे दिखाई दे रहा है हाईलाइट देने की ज़रूरत है वहाँ पर, इसी प्रकार आप लोग भी हाईलाइट दे लें। सो फ्रेंड्स, हमारे हेयर बहुत अच्छे से ड्रा हो चुके हैं और हमने हाईलाइट भी काफ़ी अच्छे से दे दिए हैं, और अब बारी है हेयर के आसपास जो छोटे बाल निकले हुए होते हैं उन्हें ड्रा करने की। सो पेंसिल को अच्छे शार्प करके मैं वो उन हेयर को भी ड्रा कर लूँगी। सो इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए वरना रियलिस्टिक हेयर नहीं लगते। तो इस तरह मैंने छोटे हेयर को भी ड्रा कर लिया है, और अब बारी है हेयर की शेडो की। सो मैंने 6B पेंसिल की यूज़ से हेयर की शेडो को भी ड्रा कर लिया एंड ब्लेंड कर लिया है, जिससे कि हेयर हमारे नेचुरल लगे। और फ्रेंड्स, अब बारी है नेक की। सो नेक के लिए मैंने बेस लेयर 2B की हेल्प से लगा दी है। सो फ्रेंड्स, रिफ्रेंस इमेज को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करते जाना है, और देखिए जहाँ पर हमें डार्क दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप 2B के बाद 4B या 6B का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आई ऑब्जर्वेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा हम देखते हैं, जैसा हम ऑब्जर्व करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम पेंसिल का यूज़ करते हैं कि हमें हाई ग्रेड की लेना है या लो ग्रेड की लेना है। सो हमें अच्छे से ऑब्जर्व करते चलना है, और बीएड के नीचे जो छोटे छोटे हेयर होते हैं नेक पर उसे भी ड्रॉ कर लेना। इसके लिए मैंने 10B पेंसिल को अच्छे शार्प कर लिया है और छोटे छोटे डॉट लगा दिए हैं ताकि बीएड नेचुरल लगे। सो आपको भी ऐसे ही करना है। और फ्रेंड्स, अब आ रही है क्लॉथ की। सो जो लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन है वो काफ़ी डार्क है, तो इसके लिए मैंने 8B एंड 10B का यूज़ किया है। तो फर्स्ट लेयर में मैंने 8B को अप्लाई कर दिया है क्लॉथ के डार्क पोर्शन वाले हिस्से में, और मैं इसे एक हार्ड ब्रश से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला है मुझे, अच्छा डार्क हो गया है। और जो बचा हुआ पोर्शन है क्लॉथ का उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, क्लॉथ ड्रा करना ज़्यादा कठिन नहीं होता, बस हमें पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। और जहाँ हाईलाइट की ज़रूरत है वहाँ हाईलाइट भी देते चलना है। सो क्लॉथ्स के राइट हैंड वाले पोर्शन को भी मैं ऑब्जर्व करके लाइट एंड डार्क पेंसिल का यूज़ करके जहाँ पर जो रिंकल है उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करके वैसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, और देन ब्लेंड करती जा रही हूँ। जहाँ पर डार्क पोर्शन है वहाँ पर मैंने 6B एंड 8B का यूज़ किया है। और इस वाले पोर्शन को जो काफ़ी लाइट दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैंने 2B यूज़ किया है।
सो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपके क्लॉथ काफ़ी अच्छे रियलिस्टिक बने हैं। सो फ्रेंड्स अगर आप अभी तक मेरे वीडियो पे बने हुए हैं इसका मतलब आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ड्रेस की जो चेन वाला पोर्शन है उसको मैंने किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। Thank you.